बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और सुबह सुबह उठ के हर कोई न्यूज़पेपर तो लाजमी पढ़ ही रहा होता है, या फिर नहीं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा होता तो न्यूज़ देख रहा होता है कि अपने आप को अपडेट रखें। खैर, मैं रोज़नामा 92 न्यूज़ पढ़ रही थी तो मैंने उसमें एक रिसर्च देखी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई थी, और मैं हमजा से डिस्कस कर रही थी कि हमजा ये हमारे व्यूअर्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मिस हो गई हो उनसे तो हमें उनके साथ ये शेयर करना चाहिए कि अगर आप लोगों को नौ उम्री में या अगर यंग भी हैं तब आप लोगों को वो हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है या एन्जाइटी हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उधेड़ उम्री या बुढ़ापे में जाके भूलने की बीमारी हो सकती है बहुत ज़्यादा, तो एहतियात करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये रिसर्च भी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और ये रिसर्च ये कहती है कि आप जब अपने मतलब के नौ उम्री कह लें, जवानी कह लें, या 40 साल तक की उम्र का कह लें, इसमें क्योंकि आप लोग सब करियर ओरिएंटेड होते हैं, हालात इतने अच्छे नहीं होते, सब कामयाब होने की दौड़ में लगे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आ रहे होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, घरेलू मसाइल होते हैं, इसमें जब आप ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं तो कहते हैं कि नौजवानों को टेंशन उतना जो है ना तंग नहीं कर रही होती या उतनी शायद असरअंदाज नहीं हो रही, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। अब जो है बहुत ज़्यादा नौजवानों को ही टेंशन, पहले की बात आमतौर पर ये तासुर है ना, तो वो ये समझा जाता है कि जी कि नौजवानों को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर मसले से निकल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर कुव्वत होती है और वो मसाइल को जो है चीरते हुए कामयाबी की तरफ जाते हैं, तो इस तरह से नहीं है। इसके असरात अगर आपकी जवानी में नहीं आपको आ रहे तो बुढ़ापे में आ सकते हैं, ये रिसर्च कह रही है। भूलने की जो बीमारी अक्सर हम देखते हैं कि बुजुर्गों में हो जाती है, ये उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जिन्होंने जवानी में ज़्यादा टेंशन ली होती है, जो डिप्रेशन में। उन्होंने ये इसका हल बताया उनके कि अगर इसी के हम उल्ट ले लें तो उल्ट में ये है मुराद कि अगर आप नौजवानी में खुश रह रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी मतलब अगर इतना खुशगवार माहौल है तो फिर इस तरह की जो बीमारी है, भूलने की बीमारी कह लें, डेमेंशिया कह लें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे बुढ़ापे में या उधेड़ उम्र में नहीं हो रही होंगी, हमें उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि हमें रिजल्ट ये निकाल लेना चाहिए कि हमें डिप्रेशन नहीं लेना है, हमें खुश रहना है, चाहे जितनी भी कोई ऐसी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन आप लोगों को उसमें टेंशन या डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेंशन या डिप्रेशन चीज़ का हल नहीं होता है, हल तलाश करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हाँ, और बस आप अगर परेशान नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे में इस बड़े मसले से भी आप बच सकते हैं। हमें अक्सर होता है बुजुर्गों के ऊपर कि जी के चीज़ कहाँ पर रखी थी भूल जाते हैं, नाम क्या मतलब नाम गलत लेना शुरू कर देते हैं, बात भूल जाते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रह रही होती, जो पुरानी जवानी की मेमोरी होती है उनकी बेहतरीन होती है, लेकिन अभी जो मामलात हो रहे होते हैं मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो उसमें काफ़ी हम मसाइल देख रहे होते हैं, तो ये इस रिसर्च के अंदर परेशान दिखाई देते हैं, कहते हैं हमें पहले वाली तो सारी चीज़ें याद हैं, अभी वाली हम लोग चीज़ भी रख के भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखी है, या हम कोई बात भी कहते हैं बात के भूल जाते हैं, तो ये चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ रहा होता है, तो इट मीन्स कि उन्होंने ये एक लिंक निकला जवानी में या नौमरी में, ये लिंक निकला है, तो इस लिंक को देखते हुए हमने खुश रहने की कोशिश करनी है, ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। और बात करेंगे कि अपोजिशन जो है वो कुछ पर फैला रही है, बेकाबू महंगाई है और उसकी वजह से अपोजिशन की जो सियासत कहा जा रहा था कि दम तोड़ रही है, आपस में इत्तेहाद नहीं है, कुछ ऑक्सीजन मिली है। बिल्कुल, और बची कुची पीडीएम जो है नए वलवले और उमंग के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मैदान सजाने की तैयारियां भी कर रही है, और अगर पहले मरहले की बात करें तो महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में उन्होंने प्लान किया कि एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे हम लोग। हाँ जी, ऐलान उन्होंने कर दिया है जिसका आगाज 13 नवंबर को कराची से होगा, और पीडीएम का दावा है कि इस बार हुकूमत को घर भेज कर ही दम लिया जाएगा, लेकिन कई सवालात हैं, क्या ऑपोजिशन जमातों में इतना दमखम है और क्या इतना इत्तेफाक है कि वो किसी एजेंडे पर मुत्तफिक हो सके। बिल्कुल हमजा, एक जाने मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो उनके अंदर दो मुख्तलिफ बयानियों का शोर है, दूसरी तरफ देखिए तो कल तक बातें हो रही थी कि पीपल्स पार्टी दोबारा जो है पीडीएम में शामिल हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी वार करके इस कहानी को ही खत्म कर दिया। हाँ जी, वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी नून लीग आइन की अगर हुक्मरानी चाहती है तो बैकडोर रबते
ख़त्म करे। और नून लीग यही मामला पीपल्स पार्टी के हवाले से उठाती है और यही इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगाती है। पता नहीं अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन कमर जमान कायरा साहब ने क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं। हुकूमत की टांगे लड़ रही थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके इतमाद के वोट लेने पड़ रहे थे। ये हुकूमत अगर मुस्लिम लीग मान जाती तो उसके फौरी बाद पंजाब में इतमाद होता और ये हुकूमत फारग हो जाती। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर ये जो बैकडोर रबते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। आपके अंदर जो दो बयानियां चल रहे हैं ना, वो वोट को दो इज्जत दो के साथ मुखलस है, ना इमरान खान पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान बनाने में मुखलस है। पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई, आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीटीआई को पता था उसका हाल क्या होना है इलेक्शन कैंपेन में। ये जो उनके बंदे जिनके कागज रिजेक्ट हुए हैं वो जानबूझ के कराए गए। अब पाकिस्तान के अवाम आपके इन धोखों में नहीं आएंगे। इस मुल्क के अंदर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए। आपने जो है ना सुन लिया के जी के क्या कह रहे थे कमर जमान कायरा साहब, जो खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू के बाद लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी शामिल होने जा रही है, अब कुछ बातें मुख्तलिफ लग रही हैं। बिल्कुल, अब मुख्तलिफ बातें कर ली क्योंकि मुख्तलिफ बातें में नजर आ रही है। अपोजिशन जमातों के बख्त में तलाफात तो एक तरफ रहे, लेकिन अब अपोजिशन के लिए लम्हा फिक्रिया ये भी है कि मुल्क में तारीखी महंगाई भी है और इसके बावजूद अवाम उनकी कॉल पर घरों से बाहर आने को तैयार नहीं है, जो कि बहरहाल अपोजिशन की सियासी साख पर भी सवालिया निशान उठता है। ये सारी सिचुएशन है मुल्क की, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सियासी तज्जिया का मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बुखारी साहब। पी डी एम के बैनर तले एक बार फिर अपोजिशन की हम ख्याल जो जमातें वो हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकली हैं और इस बार उन्होंने महंगाई जो है उसका एक पकड़ा है कि महंगाई को लेकर, तो फिर हम मार्च करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि इसका अंजाम भी माजी जैसा ही होगा या फिर हुकूमत को वाकई इस बार खतरा है जितनी महंगाई है? देखिए, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कायरा साहब की जो स्पीच थी उसको देखा हो तो उन्होंने तो नून लीग के ऊपर जिस किस्म के इल्जाम तराशी की है, उसके बाद पीडीएम का दोबारा इत्तेहाद मुकम्मल होना और पीपल्स पार्टी का वापस आना जो है वो मुझे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं देता है। उनकी जो गुफ्तगू थी, उनके लिए जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जो इंतखाब था उनका, वो तो एक तरह से पीडीएम की किसी भी मुमकिन इत्तेहाद की कोशिशों को सबोटैज करने के बराबर था, एक बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी इससे पहले भी दो मरतबा गो अलोन जो है ये उसकी श्रेष्ठ में शामिल है, वो ऐन मौके के ऊपर अपना एक नया रास्ता निकाल लेते हैं। जिस तरीके से बलोचिस्तान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए जरदारी साहब ने रोल अदा किया, फिर उसके बाद सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, ये पीपल्स पार्टी की रवायत में मौजूद है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की नाहली और हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है महंगाई के हवाले से अवामुन नास की तरफ से, वो इतना शदीद है कि कोई भी एक मुतहिदा मूवमेंट जो है वो इस हुकूमत की बेड़ियों में बैठ जाएगी। अब देखना यह है कि क्या पीपल्स पार्टी और उसकी क्यादत जो है ये फैसला करेगी कि फिर ही एक मरतबा फिर दोबारा यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों जगह प्रेशर बिल्डअप किया जाए। अगर ये हो सका तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि मुतहिदा कोशिशों का अंजाम वही ना हो जो पहले। लेकिन ये भी कहिएगा कि पीडीएम अपने मकासद में अभी तक नाकाम हुई क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रही है। मतलब बाकी तमाम जमातें पीपल्स पार्टी पर मलबा डाल रही हैं। पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत गिर जानी थी, नून लीग खड़ी नहीं हुई थी। क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने ये काम किया या नून लीग जो है वो नहीं चाह रही थी? आखिर किसकी वजह से ये नाकाम होते रहे हैं? पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल क्रेडिट नहीं ले सकती पीडीएम के बनाने का। ये एक कंसेंसस से प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था जिसमें सारी पार्टियां जो हैं 12 पार्टियां उस वक्त थी, अब तो 11 बल्कि 13 थी, अब 11 रह गई हैं क्योंकि एएनपी और पीपल्स पार्टी निकल गई है इसमें से। उस वक्त ये एक कंसेंसस डिसीजन था कि इस हुकूमत को जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने मैंडेट चोरी किया है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये धांधली के नतीजे में कायम हुई है, मुश्तरका जद्दोजहद करने का अहद और अज़्म किया गया था। ठीक है, तो वो उस वक्त की ज़रूरत थी। और अगर मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूँ जिस किस्म के जलसे उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में किए, चाहे वो कराची था, पेशावर था, कोयटा था, लाहौर था,
एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ था हुकूमत के ऊपर, और हमने देखा कि सरकारी हलकों में जो रूलिंग एलीट के हलके होते हैं उनमें काफ़ी हलचल जो है वो दिखाई दी थी, लेकिन फिर अचानक उनको याद आ गया। देखिए, जो पीडीएम तश्कील पाई थी इसके 26 निकात थे, और उन 26 निकात में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था कि नवाज शरीफ साहब वापस आके क्यादत करेंगे तभी पीडीएम जो है वो कायम रह सकती है। वो उस वक्त भी मुल्क से बाहर थे जब ये तश्कील पाई थी, और उनके जल्दी से वापस आने का कोई इम्कान नहीं था। तो इसको भी कुछ लोगों ने समझा कि चूंकि पीपल्स पार्टी की कुर्बत जो है वो पावर दैट बी के साथ रहती है किसी न किसी हवाले से, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की मशवरे पर उन्होंने ये तकाजा किया था कि वो वापस आए और इसकी क्यादत करें। मेरे ख्याल से यही वजह बनी पीडीएम के टूटने की, और पीडीएम का जो जितना कुछ यानी इन्फ्लुएंस पैदा हो चुका था वो यकदम से धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसी तरह की मुश्तरका कोशिश ना हुई तो ये जो पीस मील में जो कोशिशें हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश करेगी, पीएमएलएन अपनी कोशिश करेगी, पीडीएम अपने तरीके से चलेगी, तो इससे इस हुकूमत को लीज ऑफ लाइफ मिलती रहेगी इस हुकूमत के गिरने का, ऐसी सूरत में कोई ठीक बात है। अगर हम देखें तो इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा और आवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान भी है महंगाई से, लेकिन ऑपोजिशन की कॉल पर हम देखते हैं कि वैसा रिस्पॉन्स आवाम की जानिब से नहीं आ रहा, जो कि एक तहरीक की कामयाबी के लिए जरूरी भी होता है। आप क्या समझते हैं बड़ी वजह क्या हो सकती है, या फिर आवाम वाकई इस ऑपोजिशन की जो तहरीक है उससे लाताल्लुक है? देखिए, माजी में ऐसा जरूर रहा है कि अपोजिशन से नाला थे, अवाम भी नाला थे, और उसकी बहुत सारी रीजंस भी थी। लेकिन अब जिस किस्म की महंगाई है, जिस किस्म की नाहली है हुकूमत की, जिस किस्म के नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, चाहे वो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज हैं, चाहे वो अमरीका के हमसे यानी ऐसे मुतालबात हैं जिन्हें पूरा करना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, या काबुल में जो कुछ हो रहा है, और जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसके साथ गुफ्तगुशरीज जारी है, और जिस तरह के मुतालबे वो कर रहे हैं, हाल ही में आपने देखा कि टीएलपी के साथ जो मुआहिदा हुआ वो भी खुफिया है, अभी तक अवामुन्नास को पता नहीं है कि क्या क्या उसमें तय हुआ है। तो इस तरीके से अगर हुकूमत चलाई जाएगी तो मेरे ख्याल से मुश्किलात जो है वो कम होने की बजाय पीटीआई की हुकूमत की मुश्किलात जो है उसमें इजाफा होता है। ठीक है, ये भी बताइएगा, वैसे मतलब कि हमेशा से दो बयानियों की बात होती थी, अब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा का बयानिया मज़ाहमत का है, जबकि बात यही हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज साहब का जो है बयानिया मफाहमत का है, वो मफाहमती पॉलिसी के ऊपर है। दूसरी बात ये होती है कि जी हमेशा से दोनों भाइयों में गुड कॉप बैड कॉप चलता रहा है, ये पॉलिसी का हिस्सा रहा है नून लीग की। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, ये वाकई कोई पार्टी क़यादत की जंग है या फिर गुड कॉप बैड कॉप ही है, या दोनों में से कुछ नहीं है, तो है क्या? देखिए, ये पीएमएलएन के अंदर इस जंग और नवाज शरीफ खानदान में इस जंग के हवाले से हम आज से नहीं सुन रहे हैं, 20 साल हो गए इसको। पहले मुशर्रफ साहब ने कोशिशें की इसको इस पार्टी में दरार पैदा करने की, हद तक वो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप बनाने की ऑफर लेके भी शहबाज शरीफ के वालिद साहब के पास आए थे, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुई, इसलिए कि जब तक नवाज शरीफ जिंदा हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि डाउन द लाइन पार्टी में किसी शख्स में इतनी हिम्मत और जुरत है कि वो उनकी आंख के इशारे के बगैर चल सके। इसका इजहार नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज एक से ज्यादा मरतबा कर चुके हैं जी। जो बयानात की हद तक इख्तलाफ जो जमहूरी पार्टियों में होते हैं वो हम भी सुनते रहते हैं, लेकिन जहां तक इसमें दरार का ताल्लुक है, आप देख लीजिए इख्तदार से बाहर निकले 3 साल हो गए हैं, आज तक कोई एक एमएनए एमपीए जो है वो पार्टी छोड़कर किसी सरकारी पार्टी में या किंग्स पार्टी में शामिल नहीं हुआ। तो ये इस बात का इंदिया है कि पार्टी के कार्डर जो है वो मजबूत हैं, पार्टी में कोई इंतशार नहीं है, और इसी तरह से फैमिली के हवाले से सियासी बयानात अपनी जगह, लेकिन उसमें उस तरह की कोई दरार के वो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ऐसा उस वक्त तक होने जा रहा है जब तक नवाज शरीफ साहब जो है ठीक है। बुखारी साहब, इंतखाबात की अगर बात करें तो कुछ ही अब टाइम रह गया, इंतखाबात करीब ही हैं, तो इस मौके पर ऑपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में टफ टाइम देने से हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा, आप समझते हैं इस तरह का कोई? देखिए, अगर तो अपोजिशन दिल जमाई के साथ मुत्तहिदा मूवमेंट के जरिए इस हुकूमत को फारग करना चाहती है तो कोई दो राय इसके बारे में नहीं है, चाहे पंजाब की हुकूमत हो चाहे मरकज में हुकूमत हो, ये दोनों जगह हुकूमतें बनी हुई है मांगे तांगे चंद वोटों के ऊपर, कुछ ज़्यादा तादाद भी नहीं है, 11 वोट अगर नेशनल असम्बली में किसी तरीके से एलाइज वगैरह की अगर आ जाए तो हुकूमत वहाँ ख़त्म हो जाती है, खान साहब की वजारत उज़्मा भी गई, और इसी तरह बुज़दार साहब की चीफ मिनिस्टरशिप जो है ये भी मोहताज है 10 से 12 से 15 वोट्स की,
और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है PMLN की, और अगर काफ लीग मिल जाती है तो एक लम्हे में ये सारा कुछ जो है तलछट हो जाएगा। तो ये इम्कानात हैं मौजूद, अगर ये अपोजिशन वाले दिल जमाई से, दिल से, नीयत से एक हो के पार्लियामेंट के अंदर मूवमेंट चलाना चाहें तो पंजाब और मरकज से PTI की हुकूमत का खात्मा हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और उनको ये लगता है कि अगर कोई तहरीक शुरू होती है और कोई ऐसा प्रेशर गवर्नमेंट पर बनता है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से फिर से नून लीग पर वार किए जा रहे हैं, क्योंकि PDM की अगर बात कर ली जाए, बाकी जमातें तो हैं लेकिन बड़ी जमात पीपल्स पार्टी उसका फिलहाल हिस्सा नहीं है, और आपस में जो दूरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हालांकि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। खैर, एक और अहम मामला है, ये बहुत ज़्यादा अहम मामला है, हमारी जिंदगियों से जुड़ा है, हमारी सेहत से जुड़ा है और हमारे ख्यालात से जुड़ा है, हम कुछ सोचते हैं, माहौल से जुड़ा है कि जी के, और दूसरा ये कि ये जो तबीब हजरात हैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि हमें किसी ने एंटीबायोटिक दे दी एक दफ़ा और फिर हमें दोबारा वो मसला हुआ तो हमने उस शख्स से पूछना जो है गवारा ही नहीं किया और फिर हम उसका इस्तेमाल करते चले गए। जब हमें कभी मसला हुआ हमने उसका इस्तेमाल किया, जब मसला होता है फिर वही वाली मेडिसिन जो है हम बजाय इसके कि हम डॉक्टर के पास जाएं, हम वही वाली मेडिसिन जो है वो दोबारा इस्तेमाल करते हैं। खैर, एंटीबायोटिक ताकतवर अदवियात का एक ग्रुप है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में एंटीबायोटिक अदवियात बहुत मोहतात तौर पर इस्तेमाल भी कराई जाती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इन अदवियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल आम होता जा रहा है, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि हर टाइम जो डॉक्टर्स हैं कोई भी बीमारी हो उसमें ये जो तजवीज़ है एंटीबायोटिक की वो कर देते हैं। इसको शिफा बख्शी का जो है ना एक आसान तरीका समझते हैं, जबकि माहिरीन सेहत के मुताबिक सेहतयामा को सबसे बड़ा ख़तरा भी शायद एंटीबायोटिक अदवियात के गलत इस्तेमाल से ही है, जिससे एक बार एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से काबिल इलाज मरज शायद मुस्तकबिल में नाकाबिल इलाज भी बन सकता है। अब हम कोरोना के अंदर देखें, कोरोना के अंदर जो हल्के फुल्के सिम्टम्स आना शुरू होते थे लोगों ने एक दूसरे से सुन के खुद ही एंटीबायोटिक शुरू कर दी और करते चले गए और करते चले गए, ये आम है, एक तो अवेलेबल है, दूसरा यह है कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एंटीबायोटिक पे लगा देते हैं जरूरत नहीं। दूसरा हमजा ये कि जैसे कि अगर कोविड में जिस तरह से लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि क्या करना, क्योंकि एक नई चीज़ थी तो उसमें अभी प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें जो उनके गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो फिर वो किल हो जाते हैं, तो ऐसे में उनकी इम्यूनिटी और कम होती है और फिर जो बैक्टीरियाज होती है उन पर ज़्यादा जल्दी इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो कोविड के पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह से आ बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इकरा को फ़ोन किया कि इकरा, जब तुम्हें कोरोना हुआ था तो तुम्हें कौन सी अद्वियात दी गई थी, हालांकि मैंने अभी टेस्ट भी नहीं करवाया, और इकरा ने मुझे कहा जी कि मुझे तो ये मेडिसिन दी गई थी, मैं फौरी गया जाके वो मेडिसिन लेकर आया और एंटीबायोटिक मैंने भी थोक के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो अब हम कहां पर गलती कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का दुरुस्त है कि नहीं है, कितनी कोताही जो है हमें फ्यूचर में जाके हमारी सेहत के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शामी साहब, मौजूद हैं सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। एंटीबायोटिक हम देखते हैं कि आमतौर पर डॉक्टर्स भी लिख कर दे देते हैं और कहा यह जाता है कि शायद जरूरत नहीं थी और लिख दी गई, एंटीबायोटिक के हवाले से हमें बताइए इसका किरदार क्या होता है और इसको इस्तेमाल कब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही अहम इशू जो है वो आपने आज शुरू किया है और उसके बारे में आप आज तस्करा कर रहे हैं। देखिये, एक एंटीबायोटिक सर्टनली, और आपने जैसे अपने एंटो में फरमाया और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये एक ऐसी अद्वियात हैं जो कि बैक्टीरियाज जो कि हमारे जिस्म को, इंसान को, वो ऐसी कुव्वत को जिसको ख़त्म करने की खातिर ये एंटीबायोटिक्स जो यूज़ किए जाते हैं किसी बीमारी के लिए, मतलब वो यूज़ किए जाते हैं जब बीमारी के लिए। लेकिन अब हमारे यहाँ एक आपने जैसे बता रही थी कि सेल्फ मेडिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि हर बंदा यही समझता है कि जी हमने वो काम करना है जो एक किसी डॉक्टर ने लिख दिया, या वैसी एक फार्मेसी के पास जाते हैं और कहते हैं जी हमें कोई ना कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक्स मिसाल दे दो और वो दे देते हैं। अब हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट है, और फिर जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कुछ डॉक्टर साहिबान भी गैर जरूरी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होती है उसी को शुरू कर देते हैं ये एंटीबायोटिक्स, और ना सिर्फ ये कि एक एंटीबायोटिक्स देते हैं, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो कि उसकी जरूरत भी नहीं होती और वो उसके साथ हम लिख देते हैं। और फिर क्वैकरी इज द मेन मेजर इशू हमारे यहाँ मुल्क के अंदर कि जिनके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, वो किसी डिस्पेंसर है या कहीं ऑपरेशन थिएटर का असिस्टेंट है जी, और उसने सुन रखा है
कि ये टीका लगाया था तो मरीज ठीक हो गया था, ये कैप्सूल दिया गया था तो मरीज ठीक हो गया था, लिहाजा वो अपनी प्रैक्टिस गली मोहल्लों के अंदर जो कर रहे हैं रोज सारा, उससे वो शायद ओवर मतलब एक किस्म की ट्रीटमेंट कह के या ओवर बर्डन टू द पेशेंट, पेशेंट मीन बाय के बॉडी कि जो रिस्पॉन्स है उस बॉडी के ऊपर जाके उन अच्छे खलियात को, उन अच्छे बैक्टीरिया को जो जाके एंटीबायोटिक्स वो भी खत्म कर देते हैं। अब सिस्टम ये कि इसको ठीक करने के लिए, और आपने दुरुस्त कहा कि दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिसेस हैं और बाज ममालिक के अंदर तो ऐसा है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ छोटा मोटा, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए या जनरल सर्जरी की खातिर वहां पे सिस्टम्स ऐसे हैं कि वहां 3 से 5 दिन के बाद इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। अगर उसने 5-7 दिन से जो डिफाइंड उसके साथ आती है, अगर उसने कुछ आगे एंटीबायोटिक्स को कंटिन्यू करना है तो उसकी खातिर दे हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द हॉस्पिटल कमेटी, जो कि बाकायदा इसको जिसके अंदर मतलब बायोकेमिस्ट्री वाले होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, सर्जन्स वहां मौजूद होते हैं, तो एक कमेटी है वो फैसला करती है ऐसी कि कौन सी जरूरत पड़ गई कि इनको एंटीबायोटिक्स जो है वो 7-10 दिन से ज्यादा देने की मतलब एक जरूरत या महसूस कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से आप देखेंगे कि 3-3, 4-4 हफ्ते 6-6 हफ्ते एंटीबायोटिक्स जो है मतलब उसका ऐसा गैर जरूरी इस्तेमाल होता है कि जिसके जरिए से जाके फिर सर्टेनली उसके साइड इफेक्ट। और एक जो सबसे अहम चीज है कि हमारे यहाँ देखें एंटीबायोटिक्स की जो पोटेंसीज, जो कि छोटी पोटेंसी के साथ कभी वो असरअंदाज होके और उस बीमारी को जो है बेहतर उसका इलाज फराहम कर सकती है, उसके ऊपर भी जाके वो गैर मुअसर हो जाती है। बिल्कुल ऐसी जाए ये कि इसके अलावा और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है उनको भी जाके ये मतलब मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक उसको जाके आप बात कर रहे हैं ओवरडोज, अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें आप कह रहे हैं दूसरे ममालिक में कमेटी होती है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन जब ओवरडोज होती है एंटीबायोटिक की तो उसके नुकसान क्या होते हैं, जरा वो भी बताइएगा। देखिए इसके साथ एक मैं करूँ गुजारिश करूँ कि ऐसा नहीं है कि कमेटीज हमारे पास नहीं है या हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, लेकिन आप जानती हैं कि हमारा वो मुकद्दस मुल्क है कि जिसके अंदर कानून साजी की भरमार है, कानून आपको यहाँ भी मिल जाएंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट ओवर देयर, उस किस्म की वहां पे हमारे साथ जो सबसे बड़ी। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना जरूरी समझता हूँ कि जब तक किसी मर्ज को आप डायग्नोज नहीं करते ये कि एंटीबायोटिक्स ने किसी किस्म का इलाज भी मतलब उसके लिए जरूरी नहीं है। आप मतलब सुनते होंगे जी टेम्परेचर हुआ तो डॉक्टर ने या किसी मॉलेज ने कहा कि सिंपल पैनाडॉल दे लो। अब हमारे यहाँ एक तो मसला ये बन गया कि जब तक हम एक मतलब थद्दा उसको नहीं देते, कुछ 4-5-6 दवाइयां नहीं देते तो मरीज की तशफी नहीं होती कि जी मेरा तो इलाज ही शुरू नहीं हुआ। हम मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ छोटा मोटा काम करते हैं तो उसके साथ यही होता है जी हम दाखिल हैं 3 दिन से हमारा तो इलाज ही नहीं हो रहा। तो भाई कौन सा इलाज नहीं हो रहा, ना जी हमें कोई ड्रिप लगी है ना हमें कोई टीके शुरू किए गए। तो एक जो माइंडसेट हमारे यहाँ ये एक बन चुका है और माइंडसेट ये है कि जब तक ये अद्वियात नहीं दी जाएंगी, जब तक उनको टीके नहीं शुरू किए जाएंगे और एंटीबायोटिक, अब इतना हरफे आम के अंदर ये लोगों को पता चल गया ये एंटीबायोटिक्स है और एंटीबायोटिक्स ये नहीं है, जब तक ये इलाज का मतलब एक जरूरी हिस्सा है एज अ क्लाइंट एज अ पेशेंट वो नहीं शुरू करते तो मरीज समझता है कि मेरा इलाज नहीं। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहबान की तरफ से भी और मुआलजीन की तरफ से भी ये गैर जरूरी मतलब पेशेंट की सेटिस्फेक्शन है कि मरीज को सेटिस्फाई करने के खातिर वो एंटीबायोटिक्स दे। अब इसके जो है असरात क्या है, अब इन असरात में से एक जो मैं आपसे के साथ शेयर कर रहा था कि हमारी इम्यूनिटी जो है दैट गेट्स डिस्टर्ब, सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान होता है कि कुव्वत मुदाफियत जब इंसान की है वो कम होती जाती है, वो कम होने के साथ बाकी बीमारियां आपके साथ ओवरफ्लो करती हैं और उसके साथ के मसाइल ज्यादा करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक हमारी यहाँ पर सोच ये भी है कि एक दफ़ा या दो दफ़ा खा लेने से कुछ नहीं होता, चले मिलता जुलता कोई मसला है, हम पूरा कोर्स तो नहीं करने जा रहे हैं, एक या दो गोलियां खा लेने से कोई सेहत के ऊपर इतने बुरे असरात, इम्यूनिटी के ऊपर अगर हम ये बात समझ भी लें जितनी आपने की हैं कितने को असरात पड़ जाएंगे इम्यूनिटी के ऊपर, कितना को हमारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा, ये भी ज़रा एड्रेस कर दीजिएगा। ये देखें ये सबसे ही ज़्यादा गलत बात है, होता क्या है कि हमारे पास साइन सिम्टम्स कुछ आए हमने अद्वियात शुरू करवा दी एंटीबायोटिक्स उसके अंदर मतलब अशमूल, हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीबायोटिक्स, उसके कुछ असरात से ठीक हो गया। वी एज डॉक्टर वी से कि आपने कोर्स लेना होगा, कोर्स मीन बाय कि 5 दिन 3 दिन आपने एंटीबायोटिक्स अगर किसी को जरूरी है तो वो लेना उसके लिए जरूरी। अब होता क्या कि 1-2 दिन खाई, 1-2 दिन के बाद सिम्टम्स कुछ कम हो गई और उसके बाद आपने देखा कि जी आपने खुद ही दवाई बंद कर दी और समझा कि अब इसकी जरूरत नहीं रही। वेयर एज
कि जब आप एंटीबायोटिक्स शुरू करें और आपका मुआलिज कहता है कि आपने 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन के कोर्स के अंदर ये अद्वियात खानी है, तो ये इसेंशियल है उस बीमारी के इलाज के लिए कि आपने इतने दिन इसको कोर्स करना है। जब तक वो नहीं करेंगे तो उस वक्त तो जो बीमारी और वो जो मर्ज है उसका खात्मा वो प्रॉपर तरीके से और मुकम्मल नहीं हुआ था। अच्छा, तो इस वजह से मैं सर आखिर में आपसे ये भी जानना है कि अब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, अवाम भी सुन रहे हैं, उनको समझ भी लग रही है, अच्छा डॉक्टर साहब ये हमें बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात हमने समझनी है, लेकिन अब मुआलिज के पास चले जाते हैं, मुआलिज ने एंटीबायोटिक लिख दी है, अब पेशेंट बेचारे के पास या जो साथ फैमिली मेंबर्स गए हुए हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि वो उस पर इनकार भी कर सकें, और अगर वो इनकार करेंगे डॉक्टर साहब कहेंगे आप खुद इलाज कर लें फिर हम चले जाते हैं यहाँ से, तो इसका कोई हल हमारे पास मौजूद है, कोई बॉडीज को काम करना चाहिए? ये आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन मतलब रेज किया है। मैं समझता हूँ कि पहले हमारे साथ कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट और पूरी दुनिया के अंदर, कोई बात मैं नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है कि अपने आप को मुआलिज ने अपडेट रखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, हमारा डिजीज बर्डन क्या हो रहा है, कौन सी डिजीज कैसा रिस्पॉन्स करती है, मीन बाय कि अपने आप की एजुकेशन हर मुआलिज की। ये नहीं हो सकता कि एक दफा हमें MBBS की डिग्री मिल गई और सारी जिंदगी के साथ समझू जो मुझे लाइसेंस मिल गया। तो ये सिस्टम है, इत्तफाक से आप देख भी रही हैं कि PMC जिसको गुजरात पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के उनकी तरफ से पहले जब PMDC था तो कुछ शुरू किया गया था कि इसके लिए क्रेडिट आवर्स की खातर कि साल के अंदर आपने 2 या 3 एक जो वर्कशॉप है वो जरूरी थी कि हर मुआलिज की खातर कि वो भी करेगा ताकि अपने आप को अपडेट कर सके। और दूसरी मैं अहम चीज आपसे कहूँ वो ये है कि हमारा सोशो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, वो लोग मतलब बातें हैं, किसी से पूछो जी आप क्यों नहीं आई, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब मेरे को तो दवाइयां दे पैसे भी कोई नहीं सर, मेरे को तो फीस दे पैसे नहीं सर। तो ये जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारा एज अ स्टेट, एज अ सोसाइटी, एज इंस्टीट्यूशंस, ये अहम तरीन हमारा मतलब काम होना चाहिए कि हम लोगों की वेलबींग की खातर, लोगों की सेहत की खातर, एज अ स्टेट बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अशरफ जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे, बड़ा अहम मामला है ये, एक तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी कितनी ज्यादा है कि खुद से ही ना डॉक्टर बन जाया करें, आप मतलब सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना चले जाया करें, और एंटीबायोटिक का अगर कोर्स डॉक्टर ने कहा कि कंप्लीट करना है तो फिर कंप्लीट करना है, लेकिन गैर जरूरी तौर पर आपने अधूरा नहीं छोड़ना, और गैर जरूरी तौर पर आपने अपनी मर्जी से बच्चों को भी आप वही दवाइयां दे देते हैं जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी, अच्छा इतने समझदार हैं, खुद हाइपोटेंसी की खा रहे हैं, बच्चा ना इसको लो पोटेंसी की खुद से ही फैसला कर लिया गया इसको दे देते हैं, ये आम घरों में हमारे घरों के अंदर ये गलत प्रैक्टिस हो रही है, इसको तर्क कर दें, बहुत बुरे असरात हैं सेहत के ऊपर। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सारे